हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग यार। 2020 अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है और इस साल जो है फोन धराधर लॉन्च हो रहा है, चाहे वो रियलमी का हो, रेडमी का हो, सैमसंग का हो, हर मोबाइल कंपनी अपना फोन को लॉन्च किए जा रहे हैं। अब रियलमी कुछ दिन पहले दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, आप सभी को पता है, रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो, और रेडमी भी अपना नया फोन लॉन्च किया है, रेडमी नोट 9 प्रो, सैमसंग भी नया फोन लॉन्च किया है। अब रियलमी, रियलमी 6 और 6 प्रो, उसके बाद 6 सीरीज का और एक फोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है रियलमी 6i, और इसका लॉन्च डेट जो है वो कन्फर्म हो गया है। फीचर्स क्या क्या हुआ, सारे चीज कन्फर्म हो गया है। तो आज हम लोग रियलमी 6i के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये फोन जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और रियलमी 6 में जो कमियां था उस कमी को इस फोन में इंप्रूवमेंट किया गया है, भर दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। तो यार वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। बाकी अगर आप चैनल में तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यार अगर आप मेरे चैनल में पहले से है तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैं रियलमी 6i का एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैं रियलमी 6i का लाइव फोटो दिखाया था कि इस फोन का लुक कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा। और फाइनली अब ये फोन का लॉन्च डेट जो है वो कन्फर्म हो गया है। लॉन्च डेट रखा है 17 मार्च को, और इस फोन का हाईलाइट फीचर्स रखा है इस फोन का प्रोसेसर। ये वर्ल्ड का पहला फोन होगा जिसमें मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। रियलमी कुछ दिन पहले रियलमी C3 लॉन्च किया था जिसमें भी वर्ल्ड का पहला G70 प्रोसेसर यूज किया गया था, और उसके बाद रियलमी 6 प्रो लॉन्च किया जिसमें वर्ल्ड का पहला फोन हुआ जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिला। तो रियलमी जो है अपना प्रोसेसर को लेकर बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट दिखा रहा है। तो लास्ट ईयर इंडिया में रियलमी 5, रियलमी 5i लॉन्च किया था, और रियलमी 5i का ये सक्सेसर है रियलमी 6i। और इस फोन में आपको बहुत सारा ऐसा फीचर्स दिया गया है जो कि रियलमी 6 में भी नहीं है, मतलब रियलमी 6 में कुछ कमियां था जिसको इस फोन में कंप्लीट किया गया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस फोन का लुक और डिजाइन कैसा होगा। इससे पहले भी मैं इस फोन का फोटो दिखाया था कि इस फोन का लुक कैसा होगा। यार इस फोन में आपको किसी भी तरह का पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलेगा, ये वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आएगा। बैक पैनल जो है इस बार अलग होने वाला है। रियलमी का बैक पैनल में थोड़ा सा ग्लासी लुक रहता है, थोड़ा सा मतलब अलग अलग सा डिजाइन करता है, लेकिन इस बार जो है सिंपल लुक देखने को मिलेगा आपको। और बैक पैनल में क्वेट कैमरा का सेंसर देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड में देखने को मिलेगा। रियलमी 6 और 6 प्रो में आपको बैक साइड में नहीं देखने को मिलता है। तो इस फोन का लुक जो है बहुत ही अलग होने वाला है इस बार। और यार इस फोन का कुछ फीचर्स भी निकल के आ गया है। सबसे पहले जो फीचर्स है वो है इस फोन का प्रोसेसर, जो कि मैं बताया इस फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि पहला फोन होगा वर्ल्ड का। और इस फोन में आपको क्वेट कैमरा का सेंसर तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्राइमरी सेंसर रहेगा वो रहेगा 48 मेगापिक्सल का। रियलमी 5i में हमें 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिला था, लेकिन इस फोन में हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। तो ये एक इंप्रूवमेंट किया गया है। बाकी इस फोन में आपको 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा साथ में। रियलमी 6 और 6 प्रो में हमें 5000mAh का बैटरी नहीं दिया गया था, तो इस फोन में 5000mAh बैटरी मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। रियलमी 5i देखेंगे तो उसमें आपको किसी भी तरह का फास्ट चार्जिंग नहीं मिला था, तो इस बार इस फोन में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड 10 के साथ आएगा ये फोन, और आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI आपको मिलेगा जो कि रियलमी का लेटेस्ट वर्जन रहेगा। तो यार फीचर्स जो है काफी बढ़िया है। साथ में इस फोन में आपको 4GB का रैम दिया जाएगा और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा इस फोन में। और इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, जैसे कि मैं बताया, साइड में नहीं रहेगा, इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पैनल में रहेगा यानी रियर में रहेगा। और इस फोन का नीचे के हिस्से में आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था इस फोन का लुक, डिजाइन और फीचर्स जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। और इस फोन का लॉन्च डेट जो 17 तारीख रखा है वो म्यांमार का है। ये फोन अभी फिलहाल म्यांमार में लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्द ये फोन इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो यार ये था आज का वीडियो। ये फोन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, 5000mAh बैटरी के साथ आ रहा है, USB टाइप सी भी है, फास्ट चार्जिंग भी है। तो यार आपको कैसा लगा ये फोन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो लाइक करेगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बाजू में बेल का घंटा उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, इसमें आपका भी फायदा है और मेरा भी फायदा है। तो यार मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।